मैं ब्राह्मण हूं इसलिए हो रही है कार्रवाई। गणेश दत्त मिश्रा। तहलका न्यूज के सभी दर्शकों को मैं जूली श्रीवास्तव प्रणाम करती हूं। तहलका न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं विनय ज्ञान चंद्र। खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से है, जहां आज माफियाओं और उनके सहयोगियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई के क्रम में आज प्रॉपर्टी डीलर गणेश दत्त मिश्रा का 6 मंजिला मकान जिला प्रशासन के आदेश पर धराशायी कर दिया गया। अपना भवन जमींदोज हो जाने के बाद गणेश मिश्रा आज मीडिया से मुखातिब होकर अपनी बातें रखते हुए बताया कि ये जो मकान गिरा है वह प्रशासन वहाँ पर 36 मीटर की सड़क बता रही है, जबकि मेरे ही नहीं बल्कि किसी भी कॉलोनी में 36 मीटर की सड़क नहीं है। इस कॉलोनी में करीब 2500 मकान बने हुए हैं, तो यह कार्रवाई सिर्फ मेरे ही खिलाफ क्यों? मेरे खिलाफ बस इसलिए कि मैं एक ब्राह्मण हूँ। मुख्तार अंसारी के करीबी होने के मामले पर बोला कि उनके भाई यानी मुख्तार अंसारी के भाई सांसद अफजाल अंसारी ने 5 लाख वोट पाया था, तो उनके करीब 50,000 कार्यकर्ता व सपोर्टर होंगे, तो क्या किसी के पर्चे के हिसाब से किसी का या पूरे शहर का मकान को आप ध्वस्त कर देंगे? मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए मेरे पर यह आरोप लगा है। उन्होंने बताया कि ब्रजेश सिंह संत महात्मा बने हुए हैं, सुशील सिंह भी महात्मा ही हैं। इन लोगों के करीब 50,000 करोड़ की संपत्ति है, लेकिन इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। उन्होंने बताया कि अब प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है, बल्कि गुंडा पुलिस है। यह लोग डायरेक्ट लड़ाई लड़ रहे हैं और धोखा दे रहे हैं। रात में नोटिस लगा रहे हैं और सुबह ही धराशायी की कार्रवाई कर देते हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि मुझसे मुख्तार अंसारी का संबंध है, मेरा ही नहीं बल्कि जनपद में 50,000 लोगों से भी संबंध है। वहीं पिछले दिनों उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा था, तो उन्होंने बताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में अकेले मेरे ही खिलाफ बड़ी कार्रवाई क्यों की गई। बताया कि मेरे साथ पूरा समाजवादी पार्टी खड़ा है और मैं समाजवादी पार्टी का साथ खड़ा हूँ। गणेश दत्त मिश्रा का यह ब्राह्मणवादी कार्ड क्या चलेगा या सपा भी इस लड़ाई में कूदेगी? पर खबरों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए तहलका.in, सबसे तेज, सबसे सटीक, सबसे तथ्यपरक। ये मेरा मकान नहीं है, मेरे पिताजी और माताजी का दोनों मकान है। ये लोग अपने खेती के कमाई से जिंदगी भर का बटोर करके ये दोनों मकान बनाए थे, और 36 मीटर यहाँ रोड दिखा रहे हैं। 36 मीटर कहीं भी शहर में आप बता दीजिए कि जो जिस कॉलोनी में 36 मीटर का रोड हो, और इस रोड पर भी 2500 मकान बने हुए, तो मेरे ही साथ ये कार्रवाई की, इसलिए कि मैं ब्राह्मण हूँ। और ये सरकार आप लोग जान ही रहे हैं किसकी है। कहा जा रहा है कि आप मुख्तार अंसारी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, और इसके इस हिसाब से जो है इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। मुख्तार अंसारी के भाई यहाँ 5 लाख वोट पाए थे, 50,000 उनके कार्यकर्ता हैं, 50,000 उनके करीबी लोग होंगे। आप लोगों में से कोई ऐसा है, आप ही लोगों में से, जो उनको नहीं जानता हो या जिससे उनका परिचय न हो, तो क्या किसी के परिचय के आधार पर पूरी शहर को ध्वस्त कर देंगे? मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए मेरे ऊपर ये आरोप लग रहा है, और कुछ नहीं है। तो अगर मैं ब्राह्मण नहीं रहता तो मैं भी, आप संत महात्मा ब्रजेश सिंह बने हुए हैं बनारस से, 50,000 करोड़ की संपत्ति उनकी है, कोई पूछने वाला नहीं। सुशील सिंह बने हैं महात्मा, उनको कोई पूछने वाला नहीं। हम ही हैं, हमारे ऊपर कोई न केस है न कोई धारा है न आज तक हमारा धंधा, आप लोग 30 साल से जान रहे हैं। अगर बिल्डिंग को अवैध किया है तो प्रशासन ने एक समय अवैध किया होगा, तभी आपने बिल्डिंग बनाया। तो क्या प्रशासन इसमें कितना दोषी है? 100% प्रशासन है ही नहीं, दोषी बात ही छोड़ दीजिए, प्रशासन नहीं है तो गुंडा पुलिस है। प्रशासन हमारे एंटी है, गुंडा पुलिस है, ये हमारे साथ डायरेक्ट लड़ाई लड़ रही है। यहाँ धोखा होता है कि रात में आदेश होता है हर शनिवार को और संडे को गिर जाता है मकान। तो आपको क्या लगता है, अभी आपने समाजवादी पार्टी का भी दामन थामा है कि मुख्तार अंसारी का एक ठप्पा लगा हुआ है? मुख्तार अंसारी का ठप्पा लगा है तो मेरा संबंध है ही, मैं तो कह ही रहा हूँ संबंध है, मेरा ही संबंध नहीं है, 50,000 लोगों का यहाँ संबंध है, एक दो लोगों का नहीं, 50,000 लोगों का। क्या 50,000 पूरा शहर खाली कर देंगे? आपने तो मेरे ही ऊपर क्यों? मेरे ऊपर इसलिए कि मैं ब्राह्मण। आप कहते हैं कि प्रदेश में ब्राह्मण होना गुनाह है? हाँ गुनाह है।
आज के डेट में सबका विकास सबका साथ मोदी जी कहते हैं, लेकिन यहाँ सबका विकास नहीं, सबका विनाश, ब्राह्मण का विनाश और एक जात का साथ यहाँ पर। ये शहर में आपकी और भी बिल्डिंग बनवाना शुरू किया तब से, इससे बीच में क्या कभी मास्टर प्लान का आपको कोई नोटिस वगैरह आया? 17 में नोटिस आया था, उसका हमने जवाब दिया, लेकिन यहाँ तो पहले से ही निर्णय निश्चित रहता है कि यही करना है। पूरा पार्टी के किसी भी सदस्य के ऊपर पूर्वी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी कार्रवाई है। आज जो है आपके काफी करीबी लोग समाजवादी पार्टी के लोग हैं, लेकिन आज जो है आपके साथ कोई खड़ा नहीं दिख रहा है, क्या कारण है? समाजवादी पार्टी के लोग हमारे साथ खड़े हैं, लेकिन करेंगे क्या जब कानून के विरुद्ध में सीधा लड़ाई हो रही है? योगी जी लड़ रहे हैं जनता से और ब्राह्मण से, ये तो सीधा लड़ाई है, तो इसमें समाजवादी क्या करेगा और कोई क्या करेगा।